जय श्री माता जी। विश्व के सभी साधकों का आज सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। श्री निर्मला देवी।
अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता के सहस्त्रार पर आप विराजिए। सामूहिकता का अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपा कर आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। कुछ समय हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। चित्त को सहस्त्रार में स्थित करते हुए हम अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। कलकत्ता की आप लोगों की प्रगति देखकर बड़ा आनंद आया, और मैं जानती हूँ कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं। उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जहाँ वो जिसे खोजते हैं उसे पाने। आप लोगों को उनके तक पहुँचना चाहिए और ऐसे लोगों की खोज भी रखनी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारों तरफ करें, लेकिन उसी के साथ हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी है।
अपना भी जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अपने जीवन को भी एक अटूट ज्योति जैसे प्रज्वलित करना चाहिए। इसे लोग देख करके पहचानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति, इस व्यक्ति में कोई न कोई विशेष बात है। इतना ही नहीं, किंतु जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करती हैं किंतु जो कुछ कहते हैं वो कर भी सकते हैं। इस पर मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा करना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में एक बड़ा व्यस्त शहर है और इस शहर की व्यस्तता में मनुष्य जूझ जाता है, उसको समय कम मिलता है, ये भी बात सत्य है। किंतु ये जो समय हम अपने हाथ में घड़ी की तरह बांधे हैं, ये समय सिर्फ अपने उत्थान के लिए और अपने अंदर के प्रगति के लिए है। हमें अंदर की प्रगति अगर प्राप्त करनी है, हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान लेना है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा समय इसके लिए अवश्य रोज करें। जो लोग रोज ध्यान धारणा करते हैं शाम के वक्त और सवेरे थोड़ी देर, उनमें और जो नहीं करते उनमें बहुत अंतर आ जाता है। विशेषकर जो लोग बाह्यता बहुत कार्य कर रहे हैं, सहयोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, उनकी जो रूहानी शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए और भी आवश्यक है कि ऐसे लोग ध्यान धारणा अवश्य करें और ध्यान धारणा करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान कर लें और सवेरे नहाने के बाद थोड़ी देर आप ध्यान कर लें, यही काफी है। लेकिन जब ध्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान ठीक हुआ? ध्यान करते वक्त आपको निर्विचारिता पहले स्थापित करनी चाहिए। उस वक्त आपको ये नहीं यन्नेति इस तरह से अपने विचारों को वापस कर देना चाहिए। करते करते दो श्वास लेने से, पहले श्वास लेने से आप देखेंगे कि आप में निर्विचारिता आ जाएगी। अर्थात फोटो वगैरह सामने रखना चाहिए और उसके सामने दीप जला के पैर पानी में रख के बैठना चाहिए। जिस वक्त निर्विचारिता आ जाए और दोनों हाथ में चैतन्य बहना शुरू हो तो आप पैर पोंछ करके और फिर जमीन पर ध्यान में बैठ जाए। ध्यान में बैठ करके और उसकी गहनता को आप जाने, फिर विचार आना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं या क्षमा 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 शब्द बहुत जरूरी है। उस शब्द से भी आपके विचार प्रगति हो सकती है, क्योंकि जब तक शांति नहीं रही तो आपकी अंदरूनी प्रगति किस प्रकार हो सकती है? जबकि समझ लीजिए भूजाल आ रहा हो, भूजाल में किसी वृक्ष की प्रगति नहीं हो सकती। तो उस वक्त मनुष्य जब एक विचारों के भूजाल में फंसा हुआ होता है तब उसकी प्रगति होना असंभव। इसलिए आवश्यक है कि वो उस वक्त अपने को शांत चित्त कर ले। उसके लिए भी एक दो मंत्र हैं, वो आप कह सकते हैं, इससे आपके अंदर शांति पहले प्रस्थापित हो।
धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि ये सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप हठात एकदम ही निर्विचार हो जाएंगे और निर्विचार हो करके और आप हठात इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम कहते हैं निर्विचारी। वैसे भी चलते चलते रास्ते में ही कहीं सहज में आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। किसी बड़ी सुंदर सी वस्तु या कलात्मक वस्तु को देखते ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी और निर्विचारिता की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी अंदरूनी प्रगति होती रहेगी। माने ये कि आप एक दालान में अपने आ गए, लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को, इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान धारणा में गहन उतरे। उसकी पहचान ये है कि जब आप ध्यान धारणा से उठेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा कि उठे, थोड़ी देर आप फिर उसी ध्यान में लगे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद उठे, एकदम से आप नहीं उठ सकते। अगर ध्यान धारणा के बाद एकदम अगर आप अपना चित्त किसी और चीज की ओर ले जा सकते हो, जैसे खाना खाना है या सोना है या बाहर जाना है, कोई सी भी चीज, तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना जरा सा कठिन काम। इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रगति होती रहेगी और जब आप बाह्य में कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ती जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, कि लोग फौरन उसी वक्त पार होने के बाद ही दूसरों को जागृति देना शुरू और फिर उनमें कैचेस आ जाते हैं। असल में कैचेस होते नहीं हैं, जैसे कि किसी बैरोमीटर में या किसी यंत्र में आप जान सकते हैं कि यहाँ धुआं निकल रहा है कि यहाँ प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकार आप भी अपने अंदर सब कुछ जान सकते हैं। किंतु अगर आप उससे अगर पीड़ित हो या उसमें तकलीफ हो जाए तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी प्रगति साध्य करें और एक तरह का निर्वाज्य स्वभाव आ जाना चाहिए, माने डिटैचमेंट आना चाहिए, फिर आपको पकड़ नहीं आती। आप कितने भी लोगों पे हाथ चलाएं, कितनों को भी जागरूकता दी, कुछ भी कार्य करें, कितनी भी बीमारियां ठीक करें, आपके अंदर उसका कोई असर नहीं आए। पर यह दशा आए बगैर ही अगर आप लोगों पर हाथ लगाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, बड़ी कठिनाई से ये बात होती है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं। वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पर कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए, अपने प्रेम से बड़े जतन से संभाल करके हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, इससे वो लोग आपको इतना भयंकर ना समझे, क्योंकि साधु संत लोग को हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचें कि हम ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट हैं और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एक आध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहाँ नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसकी प्रकाश उसके प्रकाश में धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझमें यह बड़ा ईगो था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियाँ थी, ये था, और धीरे धीरे आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कितना पागल था मैं, क्या ये इतना बड़ा यहाँ आनंद का सागर पड़ा था, इसको छोड़ के मैं कहाँ फंसा हुआ। तो धीरे धीरे आपने जैसे अपनी प्रगति को प्राप्त किया
ऐसे वो लोग भी अपने प्रगति को प्राप्त धीरे धीरे कर लें। लेकिन इससे कोई डिसिप्लिन आत्मा का क्या होगा? जब प्रकाश ही आ गया तो आप जानते हैं कि प्रकाश में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। और यह प्रकाश आपके व्यवहार पर भी पड़ता है और दूसरों के व्यवहार पर। अधिक आप अपने को जैसे देखते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब सा होता है, आप देखते हैं मुझमें ये खराबी है वो खराबी है, तो बेकार चीजें इसे फेंक देना चाहिए। समझ लीजिए अगर इस साड़ी में कहीं अगर दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं देता तो हम मानेंगे ही नहीं, पर जैसे ही हमें दिखाई देगा हम चाहेंगे कि इसे साफ कर दें। इसी प्रकार ये जो देखना मात्र है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहयोग में एक स्थिति जिसे हम कहते हैं साक्षी स्वरूप प्राप्त होता है। साक्षी स्वरूपत्व में ये बात है कि आप किसी चीज की ओर देखते मात्र उसके बारे में सोचते नहीं, कोई भी आपके अंदर उसकी रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अब हम आए यहाँ, हमने देखा बड़ा सुंदर सब सजावट है, बड़ी सजावट है, अब इसे देखते मात्र रह गए, तो जिसने इसे बनाया, जिसने इसे सजाया, उसने जो अपना प्रेम और जो इसमें आनंद डाला है वो पूरा निराकार आनंद जो कि साकार यहाँ हो गया, फिर से निराकार बन करके, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गंगा आपके सर से बह रही आनंद, एकदम उसे देखते ही आप प्लावित हो जाए। तो निरंजन देखना, निरंजन देखना माने ये कि किसी चीज की ओर देख करके उससे कोई सी भी प्रतिक्रिया न होना, बगैर किसी प्रतिक्रिया के उसे देखना मात्र, ये सबसे बड़े आनंददायी चेष्टा है। इससे बढ़ के और कोई आनंददायी चेष्टा नहीं कि आप में कोई भी उसके प्रति लालसा नहीं हो। अच्छा, जैसे समझ लीजिए अब एक यहाँ कार्पेट बिछा है, बहुत अच्छा बिछा है, और हमारे इसके प्रति एक हम कोई क्रिया करें तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये अगर मेरा है तो चिंता हो जाए कि कहीं जल न जाए, ये ना हो वो ना हो। अच्छा, मेरा नहीं नसीब, क्योंकि तो उससे आधी तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरा तो है नहीं, किसका होगा वो देखें। अच्छा, अब अगर दूसरे का है तो उसको देखने पर भी आपको लगेगा कि कितने का होगा, कितने का खरीदा होगा, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसी बातें भी आ सकती हैं। और उससे आगे ऐसी भी बातें आ सकती कि अगर मैं लेना चाहूँ तो कहाँ से लूँगा, तो विचार ही आते रहे। तो विचार पहाड़ के जैसे बीच में आ जाए तो इसका जो आनंद था, इसने बनाया, उसका आनंद तो आपको मिला ही। इसलिए निर्विचारिता में आने पर, जैसे कि कोई सरोवर एकदम शांत, उसमें एक भी लहर न हो, कोई लहर न हो, कोई तरंग न हो, ऐसे शांत अपना मन हो जाए, और उस शांत मन में, उस सरोवर में जितना उसके चारों तरफ बना हुआ निसर्ग, सुंदर निसर्ग है, जो कुछ भी सुंदरता है वो सारी उसमें पूरी की तरह जा, पूरी की पूरी झांके, उसमें पूरी की पूरी प्रतिबिंबित हो और दिखाई दे, ऐसा ही आपका मन हो जाए। और जैसे ये आपका मन हो जाए आप आश्चर्य हो जाए, आपको लगेगा कि मैंने कभी ये देखा ही नहीं, हर वस्तु में इतना आनंद है मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी मनुष्य में इतना आनंद है ये मैंने कभी देखा ही नहीं और जाना ही नहीं। कलकत्ते की बात है, जब मैं अमेरिका जा रही थी पहली मर्तबा तो हम एक होटल में ठहरे थे, वहाँ पर एक महाशय आए मुझसे मिले और वो मेरे पैर पे गिर पड़े, उनके अंदर एकदम जागृति हो गई और बहुत जोरों में जागृत। तो जो लोग हमारे साथ आए थे दूसरे कमरे में थे वो सब दौड़े दौड़े चले। मैंने कहा क्या हुआ? कहले पता नहीं, इतने जोर की चैतन्य की लहरियाँ आई कि हमने कहा पता नहीं माँ के कमरे में क्या हो रहा है। और कुछ नहीं, एक बड़ा महानुभाव ही कहना चाहिए, एक बड़ा परमात्मा को खोजने वाला साधन मेरे चरणों में था, और कोई बात नहीं थी, पर उसके जो कुछ भी क्रिया हुई अंदर, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ वो इन सब को एकदम हलचल सी लगी, इतने चैतन्य की लहरियां क्यों आई, जैसे कोई पूजा हो रही। तो ये मानस पूजा ही थी। तो वो लोग आए, आते साथ उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए, सबको गले लगा लिया। उस आदमी को जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, वो कौन है, कौन से गाँव से आया है, इसलिए आया, किस कुछ जाते, एकदम गले से लगा लिया, सब बन को आह्लादित हो गए, माने जैसे कि इतने ही गुलाब के फूलों की वर्षा इन पर हो गई। और मैं देखती रह गई, तो ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आ गए। इस प्रकार आप स्थिति हो जाएगी।
कि आप जब दूसरे सहयोगियों से मिलेंगे तो आपको बड़ा एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि कोई मैं मुझसे ही मिल रहा। इस पर एक नामदेव की बात बताऊंगी आपको। नामदेव एक कवि थे और एक बड़े भारी साधक, और कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में बहुत ऊंचे उठे हुए एक संत थे। उन्होंने वो एक दर्जी थे और एक दूसरे संत थे, उनका नाम था गोरा कुमार, जो कि कुमार का काम करते। तो ये एक दर्जी थे, वे कुमार थे। तो ये मिलने गए कुमार को, तो कुमार साहब मिट्टी अपनी लेकर के उसको पैर से रौंद रहे थे कि उनको कुछ तैयार करना होगा, कोई सामान, उसकी मेहनत हो रही थी। उसके सामने जाते ही एकदम हठात ऐसे खड़े हो गए और देखने लगे। तो गोरा कुमार ने कहा, क्या देख रहे हैं? पहले मराठी में है कविता, लेकिन कविता का अर्थ यह है कि मैं तो यहाँ निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, वो तो सारा निर्गुण साकार हो, सारा निर्गुण साकार हो गया। इस तरह की समझ और इस तरह की सूझबूझ एक संत कोई दूसरे संत के लिए हो सकता। आज तक तो मनुष्य द्वेष ईर्ष्या इसी में रहता है, लेकिन जब सहयोगी हो जाता है तो उसको दूसरा सहयोगी ऐसा लगता है कि मैंने जो निर्गुण को जानना था वो ये सगुण में खड़ा हुआ, ये निर्गुण है। कितनी ऊंची पदवी उन्होंने गोरा कुमार को दी और वो पहली मर्तबा उनको मिले थे। इस प्रकार आपसी प्रेम जो है ये बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन और बड़ा आनंददायी हो जाता है। कहीं कोई सहयोगी मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, वाह ये तो सहयोगी। इसी प्रकार एक और किस्सा है जहाँ की एक सहयोगिनी थी और वो कहीं पर गई थी बहुत दूर सिसिली में, और वो असल में रहने वाली थी स्विट्जरलैंड की, और वहाँ दूसरी सहयोगिनी गई थी एक इटली की। वहाँ बैठे बैठे उनमें एक आकर्षण सा हो गया, तो वो दूसरी उठ के आई तो उसने कहा कि क्या आप आत्म साक्षात्कारी हैं? एकदम से पूछा, कोई किसी से पूछता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, क्या आपको श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार दिया? कहने हाँ, और मुझे भी, और दोनों खूब गले मिले और खूब रोना हुआ आपस में, और कहने देखो मैंने कितनी दूर से तुम पहचाना। कहने मैंने भी तुम्हें पहचाना था। कहने कैसे पहचाना? कहने पता नहीं क्या अंदर से ही एकदम लगा कि तुम आत्म साक्षात्कार हो और तुम सहयोगिनी हो, और मैं एकदम से तुम्हारे और देख रही थी और तुम खुद ही उठ के चली आई, और इस तरह से। और फिर उन दोनों को कुछ समस्या थी क्योंकि दोनों अकेली उस जगह में थी, वो सारी समस्याएं ठीक हो। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि हम एक बड़े ही सूक्ष्म और बड़े मजबूत धागे से बंधे हुए लोग हैं, और आपसी प्रेम इससे बढ़ के और आनंद की कोई चीज है नहीं। अब बहुत से लोगों में ये भी बात होती है कि मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, ये जो ममत्व है ये भी काटता है। इस ममत्व को बिल्कुल ही कम कर देना, बिल्कुल कम कर देना चाहिए, धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि इसके छूटते ही आप में बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाएगा। ये भावना ही टूट जाएगी कि मेरा कोई है। मेरे की भावना जो है ये अपने को आत्मा से दूर करता है। इस प्रकार मैं बताऊं, जैसे कि मैं कहूँगी ये मेरी आँख, ये मेरा हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरा है, पर मैं कौन? मैं तो आत्मा और मैं का तो कुछ है ही नहीं। मैं जो है वो अपना अलग खड़ा हुआ है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि ये मेरा आत्मा है। अगर ऐसा जब कोई कहे कि मेरा आत्मा है तो समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी नहीं। आत्मा अपनी जगह अकेला अछूता खड़ा हुआ, इसका मेरा कोई नहीं, इसका तो सिर्फ परमेश्वर से ही रिश्ता है। और आपसे भी जो रिश्ता है वो भी इस तरह से, जैसे कि एक पेड़ के अंदर बहती हुई उसकी उसके अंदर बहता हुआ रस, पेड़ के अंदर बहता हुआ रस हर जगह जाता है, हर जगह उस रस से प्लावित करता है, पत्तियों को देगा, पेड़ को देगा, और ऊपर जाकर के फिर उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें देगा, उसके बाद वो फूलों को भी और फलों को भी रस देकर वापस लौटाता है, सबको रस देता है, लेकिन किसी में चिपकता नहीं। जहाँ वो कहीं चिपक जाए
समझ लीजिए कि उसको ऐसी इच्छा हो कि चलो ये फूल बहुत अच्छा है और ये मेरा है इसमें मैं चिपक गया, वही कर रह गया, तो वो पेड़ तो मर ही जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ये प्रेम की हत्या है और इसलिए मेरेपन से एकदम छुट्टी लेनी चाहिए। जैसे ये छुट्टी आपको मिलेगी आप बड़ा आश्चर्य में हो जाएंगे कि आप जो एक बिंदु मात्र थे, एक बूंद मात्र थे, वो सागर हो गए। क्योंकि ये आपकी परिधि है, ये आपको बांध देती है, ये आपकी मर्यादाएं हैं, ये सारी टूट करके आप अमर्याद हो जाते हैं। और इसी अमर्यादिता में जो आनंद है, क्योंकि फिर आप समुद्र के साथ उठते हैं और गिरते हैं और डोलते हैं, मजे में रहते हैं। फिर आपको ये फिक्र नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हो गया, ये रहता है कि इस वक्त तो मजे में है और वही सबसे बड़ा है। इसी तरह से मनुष्य वर्तमान में आ सकता है। मैं का छूटना बहुत जरूरी, मेरा छूटना बहुत जरूरी है, इस ममत्व को छोड़ना बहुत जरूरी है। और जब ये ममत्व छूट जाता है तब एक बड़ा आंदोलन आपके अंदर हो जाता है और उस आंदोलन से ही आप अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। और वही शक्ति जो है कार्यान्वित होती है और वही सामूहिकता में एक बड़ा भारी कार्य करने वाली है और सारे संसार का उद्धार भी उसी शक्ति के द्वारा हो सकता है। ऐसे जितने भी बूंद हैं उनको अब सागर बनने की जरूरत है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, सहयोग में भी एक नया दौर आज शुरू हो रहा है, मैं कहूँ कलकत्ते में भी शुरू हो रहा है, हर जगह शुरू हो गया है। वो ये दौर है कि अब हम एक बड़े ही आंदोलन में आ गए जहाँ हमें अपने प्रश्न नहीं रहे। अब हमारे लिए हमारे अपने प्रश्न नहीं रह गए पर सबके प्रश्न हमारे प्रश्न हो गए, सारे संसार के प्रश्न हमारे। और इसके लिए एक प्रगल्भता चाहिए, एक बड़प्पन चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए जिससे कि आप सारे प्रश्नों को ठीक से देख सकें और उसका हल दे सकें। अब इसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों पर है। ये समझ लीजिए कि सारे सहयोगियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। यही नहीं कि आप खुद सहयोग से लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं, उसमें रजें, उसके मजाक करें, ये सिर्फ नहीं, इसमें ये है कि ये ही सब कुछ है, ये सब के घर घर में पहुंचना है और सबको ये आनंद देना है। और अगर ये कार्य करते वक्त आप लोगों ने किसी तरह से कमजोरी दिखाई या किसी तरह से ढिलाई की तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे और ये बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए सहयोग में पनपे हुए लोगों को चाहिए वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। और मुझे आशा है कि अगले साल तक बहुत बड़ा कार्य यहाँ कलकत्ते में होने वाला है। मुझे सारे हिंदुस्तान में कलकत्ते से सबसे ज़्यादा आशा है। यो तो मैं बता नहीं सकती आज, लेकिन एक दिन ज़रूर बताऊँगी कि किस लिए मैं इस कलकत्ते को बहुत बड़ी भारी चीज़ समझती हूँ। और ये जानती हूँ कि इसी कलकत्ते में सारे हिंदुस्तान का मर्म फंसा हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग खड़े हो जाएं और इस कलकत्ते की जो पार्श्वभूमि उसे समझते हुए आप आगे हो बढ़ें और अपनी प्रगति करें, औरों की प्रगति करें। और एक अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाएं। जब भी आपके अंदर विचार है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, कोई भी मेरा विचार है, उसको कहना तुम दूर रहो, अब मेरे व्यक्तित्व में बैठती है, मेरा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इस व्यक्तित्व में ये सब चीज़ें बैठती हैं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखना, और तभी आप विशाल हो जाएंगे। और ऐसे विशाल लोगों की इस नए आंदोलन में ज़रूरत है और इसकी तैयारियाँ पूरी होनी चाहिए। आशा है ये साल आप सबको बड़ा मुबारक हो और एक विशेष साल है ये। और इस साल में मैं चाहती हूँ कि इस कलकत्ते में ही बहुत से लोग सहयोग में आएंगे, उनको संभालिए, वो संभाल करके प्यार से आदर से समझा करके, कभी कभी आक्रामक होते हैं, कभी कभी गलत बातें भी कहते हैं। एक तो यहाँ हर एक आदमी दीक्षित है, ये बड़ा प्रश्न है कि सब दीक्षित है, इसी ने कसी जाल में फंसे। रशिया में सबसे अच्छी बात ये थी कि ना उनको धर्म, ना उनको कोई गुरु, ना उनके कोई दीक्षित, नहीं कुछ है, सब एकदम जिसको कहते हैं कि क्लीन प्लेट होती है, उस तरह के लोग थे। तो बहुत आसान था सबको पार करा। यहाँ तो ये कि मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, मैं इस गुरु का हूँ, उस गुरु का हूँ,
आप अपने नहीं है, और इसलिए बहुत समझा बुझा के बात करनी चाहिए। फिर यहाँ और भी बीमारियां बहुत सारी, दर्शन गुरु के दर्शन करने जाना। गुरु दर्शन की बात तो मेरे समझ में नहीं आती है, गुरु का काम दर्शन देना नहीं, उसके लिए तो अवतरण वगैरह है, अपनी मंदिरों में जाके दर्शन करें। गुरु का काम है बोध, बोध करना, लोगों में जागृति करना। जब तक वो कोई ज्ञान ही नहीं देते तो वो गुरु कैसे बने? गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाले, जो ज्ञान नहीं देते ऐसे की दर्शन, उसने मुझे दीक्षित कर दिया, उसने मुझे दीक्षित कर दिया। यहाँ तो सभी दीक्षित लोग हैं और कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान माने आपके नसों में आप जाने कि ये चैतन्य क्या, ये जब तक नहीं दिया तब तक इस उस चीज में फंस जाना भी एक तरह से अपने को नष्ट करना। आप लोग सब बहुत बड़े साधक थे और आपने प्राप्त कर दिया, और इसी प्रकार अनेक लोगों को भी आप इसका वरदान दें और उनको सुखी करें। हमारे अंदर जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो हमारी अपनी है, वैयक्तिक भी है, व्यष्टि में भी, समष्टि में भी है, सामूहिक में भी सबकी कुछ कमियां हैं। उन सब कमियों को देखना चाहिए। और बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि सहयोग में आने के बाद अगर कोई ईसाई होगा तो ईसाई धर्म के सब बताएगा क्या क्या गड़बड़ है ईसाई धर्म में, बहुत हंसेगा। अरे भाई, इस ईसाई धर्म में तो हमने ये किया, हमने वो किया, इतने धंधे किए, कुछ फायदा नहीं, इतना रुपया दिया पोप को, इतना ये किया, कुछ हमको फायदा नहीं हुआ, और ऐसे ही सब पागल चले जा रहे हैं ईसाई धर्म के पीछे। फिर अगर आप मुसलमान से पूछिए तो वो भी बताया, कल ही एक मुसलमान साहब थे, ईरान से आए थे, तो वो बता रहा था तमाशे सारे कि मुसलमानों ने क्या क्या तमाशे करे हुए हैं और कितनी आफतें करी हैं, इसका कोई फायदा नहीं, हज पे गए, ये किया वो किया, सब कमर्शलाइज है। फिर आप किसी हिंदू से पूछिए तो वो भी यही बताएगा कि अरे मंदिरों में गए, कहीं हिमालय में गए, कहाँ कहाँ घूमे, इतना फिरे, कुछ नहीं मिला। ऐसे जैनियों से पूछे तो वो बताएंगे, हर एक आदमी से पूछे तो बताएगा कि भाई इतने चक्कर काटे किसी काम के, तो ये क्या मतलब है माँ? तो ये है कि ये मनुष्य ने बनाए हुए धर्म है, जो बड़े बड़े हो गए लोग जिन्होंने ये धर्म बनाए थे वो नहीं रहे। अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है वो असलियत का धर्म है, उसमें नकलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, मनुष्य ने अगर धर्म बना लिया तो गलत होना ही हुआ, क्योंकि मनुष्य का भी परमात्मा का संबंध ही नहीं हुआ, तो उन्होंने इन अच्छे भले धर्मों को ही गलत रास्ते पर डाल दिया। लेकिन अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है, जो विश्व धर्म बनाना है, उस धर्म में किसी भी तरह की ऐसी मनुष्य की जो गलतियां होनी आनी चाहिए, क्योंकि ये दैवी है और आप लोग ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, तो ईमानदारी के साथ इसको ऐसा बनाना चाहिए कि जो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध धर्म होना चाहिए, और अंदरूनी धर्म हो, बाह्याचार नहीं हो, उसमें कोई ऐसी बातें ना हो। तो इसी प्रकार हर आदमी जब देखेगा कि हमने इसमें जो पाया है ये सत्य पाया, और फिर सबसे बड़ी कमाल ये हो जाएगी कि आप जानेंगे कि जिस धर्म को हम कहते थे हम इस धर्म के, उस धर्म का सत्य तो हमने यही पाया, और उसमें नहीं पाया, वो मनुष्य का बनाया था, और ये जो है हमारे अंदर जागृत हो गया ये धर्म। क्योंकि एक बात है, आप किसी भी धर्म का पालन करें, बाह्य के मनुष्य के बनाए हुए किसी भी धर्म का पालन करें, आप कोई सा भी पाप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आप किसी का सत्यानाश कर सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं, चाहे जो चाहे पाप कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में आने के बाद आप वाकई में धार्मिक ही हो जाते हैं, क्योंकि आप करी नहीं, आप सबका भला ही कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं, मतलब धर्म आपके अंदर जागृत होता है। पर जो लोग नए आते हैं उनके साथ चर्चा करते हुए बहुत समझ के बात करना, क्योंकि हो सकता है कि उनको इसमें महसूस हो कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो इसको बहुत संभाल करके उनको समझाना है कि धर्म हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगा तब तक इन्होंने जो कहा हुआ है वो हमारे अंदर कैसे, जैसे यीशु मसीह ने कुछ कहा वो जब तक हमारे अंदर नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि thou shalt not have adulterous, तुम्हारी आँख निरंजन होनी चाहिए। इतने ईसाइयों की नाक निरंजन है किसी के लिए? इसी प्रकार हर एक बड़े महानुभावों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो सब होता ही नहीं, उसके उल्टे ही बात हो रही। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई गलत रास्ता पकड़ गए, लेकिन किसी को कुछ कहने की बात नहीं, सारे समझते हुए उसको जानते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये अंधेरे से प्रकाश में आ रहे हैं, जो अंधेरे में खड़े हैं उनसे कोई सी बात कहने से वो मानने वाले नहीं, इसीलिए धीरे धीरे समझाते हुए उनको अनुभव पहले दे दो, अनुभव देते हुए
उन्हें इस गलत फहमी से निकाल लेना और ला करके और उनको वाकई में धर्म में स्थित करना पड़ेगा। धर्म धारय की साधर्म, धर्म की जो धारणा है वो उनके अंदर होना चाहिए। जब तक वो धारणा नहीं होती, सिर्फ बाह्य से धर्म कर्म होते रहते हैं, तो एक बिल्कुल बेकार बेकार से अपनी शक्ति को व्यय करना है, बेकार का कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म वर्म सब पाखंड है, भगवान सब झूठ है। सो बात नहीं, सब सत्य है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने वालों को ही वो मिल सकता है। और जो जो जिस जगह से भी आ जाए, उन सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाकई वो सत्य को खोज रहे हैं। हालांकि वो सोचते हैं कि यही ठीक है, पर वो अंदर से जानते हैं इससे भी परे कोई चीज है, इससे प्रकाश होने वाला है। इसलिए एक तरह से आपने ये प्राप्त कर लिया कि हमें ज्योत मिल गई। अब ज्योत का कार्य क्या होता है? ज्योत जब तक जली नहीं तब तक सब काम होता है कि इसको सफाई करो, इसको ये करो, ठीक करो। जब जल गई उसका कार्य होता है प्रकाश से। तो अब आपका कार्य क्या है कि सबको आप प्रकाश दें। जिस प्रकाश को आपने प्राप्त किया वही आपको सबको देना चाहिए, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि छोटे बच्चे बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, और उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी परवाह नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है वो कहते हैं यही ठीक बात है, यही मैं करूँगा। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब जरूर दिमाग में और चीज़ें भरी रहती हैं, वो निकलना मुश्किल होता है, और से संस्कार बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें एक बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, एक प्रगल्भता के साथ, जिसको मैच्योरिटी होनी चाहिए, इससे बड़प्पन लेकर सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। बड़प्पन लेकर ये नहीं होना चाहिए कि हम ये ऐसे सोचें कि हमें इन्हें ठीक करना है, लेकिन एक बड़प्पन के नाते एक पिता माता की दृष्टि से समझ लीजिए। आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए और प्यार दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये प्यार ही की शक्ति है और इसी को प्राप्त करना है। शक्ति की पूजा आज तक आदिशक्ति की पूजा हुई नहीं, तो कलकत्ते में सोच रहे हैं कि आज आदिशक्ति की पूजा की जाए। अब आदिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि आदिशक्ति से ही सारी शक्तियां निकली हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, जो तीनों शक्तियां आदिशक्ति से ही निकली हैं और फिर उन्हीं में समाहित होती है। आदिशक्ति के सिवाय ये कार्य हो नहीं सकता। ये कार्य सिर्फ आदिशक्ति ही कर सकती है, कारण सारे चक्रों में उनका प्रभुत्व है। और वही है कि जो हर तरह के चक्रों के आपसी संबंध को संभालती है, जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे कहना चाहिए, उसको वो संभालती है। और इतना ही नहीं, वो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानती है। जैसे कि आप कोई से भी अवकरण को देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और अपने हर एक प्रगति पर, या कहना चाहिए कि हमारे जो उत्थान हुआ है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, उसके हरेक सीढ़ी पर माइलस्टोन बने खड़े हुए। लेकिन सबका एक एक प्रकार का कार्य, सबका एक एक प्रकार का कार्य था। जैसे देवी का कार्य था दुष्टों का संहार करना, और जो भक्त थे उनको बचा लोग हो गए। इसलिए श्री राम ने लीला रचाई कि श्री कृष्ण ने लीला रचाई कि ये लीला है, ये सब लीला है, इसमें इतनी गंभीरता की कोई बात ही नहीं, ये लीला है, ये सब लीला। इसीलिए लीलाधर संसार में आए। उन्होंने उन पर जो थी श्री राम ने जो नींद डाली थी उस पर उन्होंने ये बड़ी सुंदर सी एक रचना की कि माधुर्य को लेकर के मनुष्य मधुरता, उनकी मधुरता से ही उन्होंने सबको जीता था। और दूसरा ये कि वो उनको वो जो टेढ़ी खीर थी, जो खीर थी उसको निकाल नहीं सकते, तो कहते थे कि उनकी टेढ़ी करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा चौर्य कर्म किया, ऐसे कहना चाहिए, या ऐसा कर्म किया कि जिससे हमारी जो भ्रांतियां दूर हो जाए।
विशेष करके कोई सी भी बात सीधे नहीं थी, गोल घुमा करके। और ये कृष्ण कार्य सारा ऐसा ही माना जाता है कि कृष्ण का कार्य जरा सा गोल घुमा करके, थोड़ी सी मिठास डाल करके, और वो किस तरह से अपनी चीज को कह दे। एक बड़ा ही सुंदर सा उनका अवतरण रहा। और उसके बाद में और भी महावीर जी और बुद्ध वगैरह जो है, इनका भी बड़ा गंभीर अवतरण रहा। और बड़े गंभीरता से इन्होंने आत्मदर्शन की बात करी और सम्यक दर्शन की बात करी, जो सहयोग में हम लोग सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, वही सम्यक ज्ञान की बात उन्होंने करी। पर सब बड़ी गंभीर चीजें हो गई और सर्वसाधारण लोग इसकी और नहीं आए। जो आए सो बेकार ही गंभीरता के इसमें चले गए। फिर वो और भी उन्होंने जैसे मोनेस्ट्रीज बनवा दी, बुद्ध की मोनेस्ट्रीज हैं, ये है वो है। और जो अपना रोज का जीवन है उसको उन्होंने बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा ही कठिन बना दिया। लोगों का ही करना हुआ, ऐसे तो कोई न बुद्ध ने कहा था न महावीर जी ने कहा, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको क्लिष्ट बना दिया। और वो क्लिष्ट बना करके जो करना था वो न करके, उन्होंने तो सबने मना नहीं करने को कहा था, लेकिन फिर इन्होंने वस्तु बनाने शुरू किए, इन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से ये चीजें सब बदलती। अब मानव जाति में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसका ज्यादा देर तक सीधा चलना नहीं होता। ईसा मसीह के बाद भी नास्टिक्स लोग आए, जिन्होंने जो आप ही जैसे समझना चाहिए जिन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो लोग आए वो सब सर्वसाधारण लोग आए। तो उन्होंने फिर ये पॉल के कहने से जो कुछ भी धर्म की रचना करी उसकी वजह से सारी गड़बड़ियाँ। इस प्रकार हर एक धर्म में इस तरह से गड़बड़ियाँ होती गई। और इसलिए आप देखते हैं कि धर्म जो है बड़ा कठिन और बहुत ही अगम सा बन, और लोग सोचने लगे कि इससे अच्छा ये है कि बस आप भजन गाओ या कुछ गाना करो, मंदिर में जाके दर्शन करो, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। और यहाँ तक कि आजकल के आधुनिक काल के बहुत से लोगों ने भी कुंडलिनी के बारे में गलत गलत लिख दिया। अब प्रश्न ये था कि मनुष्य को इस तरह से ये बताया जाए कि परमात्मा है और सत्य है, वो आत्मा स्वरूप है, इसलिए फिर आदिशक्ति का अवतरण जरूरी है। आदिशक्ति ही ये कार्य कर सकती है, क्योंकि वो सारे चक्रों को जानती है, सारे चक्रों का कार्य जानती है, और वो मानव जाति में आकर मानव जाति जैसे ही बन करके उसको मानवीय अवतरण लेना, इससे वो समझे कि इनके अंदर क्या क्या दोष है, और फिर वो दोष निकालने के लिए क्या करना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण इन दोषों के रहते हुए भी कैसे हो जाए, कैसे ब्रह्म नाड़ी में से ही कुंडलिनी को जागृत कर दिया जाए, जिससे मनुष्य इसको प्राप्त कर ले, पहले इसको थोड़े से अंधों से थोड़े प्रकाश में देखे, देखते देखते स्वयं ही समझ जाए, फिर उसको अपने ही और दृष्टि करके देख करके वो उसको ये शक्ति आ जाए कि वो उसे ठीक कर। ये कार्य ऐसा था कि इसमें सभी देवी देवताओं का, सभी अवतरणों का और सभी महान पुरुषों का सबका ही आना जरूरी था, उसी शरीर में धारणा कर करके और संसार में अवतरण आना जरूरी। और इसीलिए ये अवतरण हुआ है कि सारे संसार का उत्थान होना है। इस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसने ये सारा संसार रचा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये संसार मनुष्य के हाथों बर्बाद हो। और इसलिए ये कार्य अत्यंत विशाल है। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो सुदर्शन चक्र लेके सबकी गर्दनें काट के फिरो, या ये नहीं हो सकता कि आप क्रॉस पे चढ़ जाए, या ये नहीं हो सकता कि हम मनन पे बातें करके चले जाएं। इस पर मनुष्य को गढ़ना होगा, बनाना होगा, काफी मेहनत का काम है, और ये सिर्फ माँ ही कर सकती, माँ की ही शक्ति है जो इसे कर सकती। और उसमें वो गर प्यार और वो गर सहनशीलता और वो सूझबूझ न हो तो वो कर ही नहीं सकती। इसलिए इस अवतरण की बड़ी महत्ता है। और आज ऐसा कुछ मौका आया कि पूर्णिमा का दिन है, और इसलिए बेहतर है कि आप पांच आदिशक्ति का ही वर्ण करें, और इसको पाने पर फिर और कुछ कहने की तो बात ही नहीं, फिर सब कुछ हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिशक्ति की जो महामाया स्वरूपिणी प्रकृति है उसमें एक बड़ा भारी कारण कि अगर वो महामाया न हो तो आप उसको कभी जान ही नहीं सकते। वास्तविक में ऐसा है कि जब तक महामाया स्वरूप है
तभी तक आप मेरे नजदीक आ सकते हैं, तो आ नहीं सकते, आप उससे भाग कर लेना है। आप सोचेंगे कि ये तो शक्ति इसके पास कैसे जाए, इनके पैर कैसे छुए, इनसे बात कैसे करें। तो ये महामाया स्वरूप लेने से ही ये चीज़ बहुत सौम्य हो गई, और इस सौम्यता के कारण ही आज हम लोग सब एक हो गए हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी था, इस महामाया स्वरूप में ही हम रहें और आप लोग इसे प्राप्त करते रहें और खो न जाए, क्योंकि जिन्होंने प्राप्त किया वो समुद्र में खो गए। जैसे कि कबीर ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, सो खोने की बात नहीं, आप सबको जागरूक रहना है और सबको देना है, मैं आपको खोने ही नहीं दूंगी। इस आनंद में पूरी तरह से विभोर होकर कोई नहीं खो सकता, इस आनंद को बांटे बगैर आपको चैन ही नहीं आने दूंगी। इस तरह की चीज़ होगी तभी आप लोग समझेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आपका भी कार्य साधु संतों से एक तरह से अधिक है, कि साधु संतों ने किसी को रियलाइजेशन नहीं दिया था, हाँ उनको उपदेश दिए, उनको समझाया। आपका कार्य है कि आप सबको रियलाइजेशन दें और उनको आत्म साक्षात्कारी बनाए और सारे संसार का इस तरह से आप उत्थान प्राप्त करें। मैंने बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्य है, और इस कार्य के लिए आदिशक्ति का आना जरूरी था, और उस आदिशक्ति के आगमन से ये कार्य शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है। आशा है आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत से आप फोटो ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं तो आपको हम भेज देंगे। मेरे पूरे सहस्त्रार्थ का भी पूरा कमल उसका फोटो आ गया है, वो भी आप लोगों के पास आ जाएगा, उसे देखिए। पर ये जो दूसरे लोग हैं इनको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा, वो उसमें भी निकमेक निकालेंगे। आप लोग जरूर इसे देखिए और समझिए कि ये भी कार्य जो हो रहा है, ये भी ये परम चैतन्य पूरी तरह से न जाने कितने तरह के फोटो बनाएंगे। और एक साधारण कैमरा जिसमें की कोई विशेष शक्ति नहीं है, उससे ये इस तरह के फोटो आ रहे हैं। और अगर इतना प्रकाश मेरे सर में दिखाई है तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता, सिर्फ वो कैमरा में क्यों आता, ये भी समझने की बात। आप लोगों के लिए तो मैं महामाया ही हूँ, पर कैमरा के लिए शायद नहीं, वो लोग मुझे पहचानते हैं, कैमरा के अंदर की जो अणु रेणु है वो मुझे जानते हैं, तो वो बराबर चीज़ को पकड़े हुए हैं। आपको ये कहना है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इस जड़ वस्तुओं को स्वतंत्रता नहीं, वो तो परमात्मा के ही आज्ञा से चलते हैं, और पशुओं को भी नहीं है, वो भी उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी। उस स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसीलिए महामाया स्वरूप है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी स्वतंत्रता में ये न लगे कि ये कौन होती है, ये कौन है, तो आप ही जैसे हम हैं बिल्कुल हर तरह से। और पूरी तरह से आप देखिएगा कि हमें कोई ऐसी विशेष बात आप नहीं पाइएगा, सर्वसाधारण आप ही लोगों जैसे हमारा सारा व्यवहार है। ध्यान की अवस्था बनाए रखते हैं।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें ध्यान की गहनता गहराई प्रदान कीजिए, जिससे हम सहज धर्म की गरिमा में रहे, ऊंचाई में रहे। श्री माता जी, हमें गतिशील, कृतिशील, सतर्क और स्वयं अनुशासित सहयोगी बनाइए, जिससे हम सहयोग फैलाने के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निभा सके। कृपा कर हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रेसर कीजिए। श्री माता जी, हमें भौतिकता के भ्रम से, कुसंस्कारों से दूर रखिए। हमारे अंदर निर्लिप्त साक्षी भाव प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, इस ध्यान सत्र में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज सभी का दिन मंगलमय हो। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।